सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। सुबह की आरती के साथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैंने कहा ना कि कुछ वीडियो आपको एक ही लोकेशन एक ही जगह पर मिलेगी, लेकिन लोकेशन चेंज हो रही है और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस समय जब आप देख रहे हो तो एक होटल में हूँ जयपुर के। देखो परमेश्वर जो है ना, और वो सब कुछ कर सकता है अगर हम इस बात को मानते हैं तो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो वो ये भी कहता है कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो। आप कहोगे कैसे कैसे भाई? पहली बात, परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आपका स्वागत है। सुबह 11 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर इस सुबह आपके आपके परिवार में उन्नति दें, आशीष करें, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा कि परमेश्वर हमसे बड़े काम कराना जानता है। देखो परमेश्वर का काम होता है ना अद्भुत काम करना, लेकिन किसके द्वारा? वो मनुष्य को चुनता है ना। मूसा ने लाल समुद्र भाग दिया, लेकिन काम तो परमेश्वर का था है ना। काम क्या था? परमेश्वर का था, कि नाम मूसा का हुआ है ना। और परमेश्वर ने ऐसे कहीं कहीं भाग हमें बताया, परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वही सामर्थ्य जो पहले थी, वही सामर्थ्य आप में भी है। आप विश्वास कर, वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन उनसे बड़े काम करेगा। चमत्कार सामर्थ्य परमेश्वर का है, लेकिन उपयोग मनुष्य को करता है। इस बात को सोचो समझो तो सही। पता है आपको शैतान का एक फितरत, शैतान कभी भी ना हमें वचन को समझने की नहीं जाता कि हम वचन समझे। हम पढ़ तो सकते हैं, कई बार हम पढ़ते भी है ना, लेकिन समझने का जो फेर होता है वो हम नहीं समझ पाते कि हम वचन को कैसे समझे। और यही कारण है जब तक उसका प्रकाशन है, जब तक हमें आज़ादी नहीं, उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। देखो वचन क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन, सब कुछ में कार्य करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सामर्थ्य का मतलब परमेश्वर की शक्ति। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप मिनिस्ट्री में हो, आप घर में हाउसवाइफ कोई भी हो, आप ये बोलो है परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तेरी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप ये बोलोगे तो यकीन मानना सारे काम संभव होंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप इस वचन को समझो, इस वचन का अर्थ समझो, जो मुझे सामर्थ्य देता मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास से बोला आमीन। तो आप क्या तैयार हैं सब कुछ करने के लिए? तो हर काम संभव है आप और आपके परिवार के लिए जो विश्वास करता है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो सारे काम होगा है ना, जो ये काम करता है। तो विश्वास करो कि परमेश्वर आपके साथ है और आप असंभव काम संभव करोगे। विश्वास करो। मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस ब्लेसिंग के लिए, इस वचन के लिए। पिता ये वचन जो भी सुन रहा है पिता उसके जीवन में आज वो सामर्थ्य उतरे और सामर्थ्य के द्वारा तेरे बच्चे हर काम कर पाए जो अभी तक नहीं कर पा रहे। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनका बंधन शराब तोड़ने के लिए यीशु का सामर्थ्य नाम से। बोला आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।